है बायो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल हम पढ़ भी रहे थे, तो पिछले लेक्चर को आप रिवाइज करके आए होंगे। इस पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहला तो हमारा है शुगर। क्या है शुगर? है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे पेंटोज में आपने सुना होगा राइबोस शुगर, डी ऑक्सी राइबोस शुगर, टेट्रोज में सुना होगा इलेक्ट्रोज शुगर, हेप्टोज में सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज के बारे में, और हेप्टोज में हम सीटो हेप्टुलोज का जिक्र करते हैं। सुक्रोज को देखेंगे तो हम बोलते हैं क्या सुक्रोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बना हुआ है? तो दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज से। और लैक्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, और बेसिकली ये पार्ट होते हैं हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड। फिर हम बात करेंगे कि अगर एक एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखना चालू करें, जैसा कि हमें पता है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, तो हमने जो पहला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यूज किया वो है प्रोटीन्स। बताया कि स्टार्च जो हमारा होता है वो एमाइलो पेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर में जो आयोडीन है ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन टेस्ट देता है। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, साइकिल या ग्लाइकोलिसिस लिया, तो इनका क्या है, एक डेफिनेट वे है, सिक्वेंस ऑफ फ्लो है, पाथवे है इनका, डायरेक्शन इनका, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस करता है। एंजाइम की एक्टिविटी को बताने के लिए, एंजाइम के कैसे काम करता है, कैसे सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी गई थी, जहाँ पे सब्सट्रेट आके बाइंड होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाती है और प्रोडक्ट बना देती है। फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ एंजाइम के तरीके आते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के एंजाइम, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम पाए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। हेलो रॉक स्टार्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल, और बायो मॉलिक्यूल हम पढ़ भी रहे थे, तो पिछले लेक्चर को आप रिवाइज करके आए होंगे। पिछले लेक्चर को रिवाइज किया होगा तो आपको अमीनो एसिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, तो नहीं अमीनो एसिड के बारे में, लिपिड के बारे में, या हम जाने कि बायो मॉलिक्यूल्स होते कहाँ हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें एक जनरल आइडिया लग गया था। आज उसी लेक्चर को फिर से क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल के डिफरेंट एस्पेक्ट जो हमसे छूटे हुए थे पिछले लेक्चर में। तो बायो मॉलिक्यूल का पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम पहला तो हमारा है शुगर। क्या है शुगर? है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। जब भी हम बात कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो हम बोलते हैं शुगर, बोलते हैं उनके नाम को, और बोलते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। स्वीट इन टेस्ट होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ सी एच एंड ओ इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। अगर हम नाम देखें कार्बोहाइड्रेट, अगर हम बोल रहे हैं, इसके नाम में ही इसका कंपोजिशन छुपा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट छुपा हुआ है। कार्बो डिनोट्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट इज फॉर वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट में जितना अमाउंट ऑफ कार्बन होता है उतना ही अमाउंट क्या होता है, पानी का होता है। इसीलिए जब हम जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n और ON से। यानी हाइड्रेट्स आप जो कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। उसे ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो वेरी करता है 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक, C3 से लेके C7 तक। डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, इसके हिसाब से हम नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने बोला कि किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइओज शुगर। क्या बोलते हैं? ट्राइओज शुगर। अगर किसी कार्बन में 4 कार्बन है किसी कार्बोहाइड्रेट में तो हम बोलते हैं टेट्रोज शुगर। किसी में अगर 5 है तो हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। किसी में अगर 6 कार्बन है तो हम बोलते हैं हेक्सोज शुगर, और किसी में अगर 7 कार्बन है तो हम बोलते हैं क्या, हेप्टोज शुगर। क्या बोलते हैं? हेप्टोज शुगर।
तो कार्बोहाइड्रेट को इटसेल्फ अगर हम बात करें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट कितने ही ज्यादा सिंपल शुगर से मिलके बना हुआ है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के सिंपल शुगर से मिलके बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हम कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल शुगर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल शुगर्स। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपल शुगर्स, तो हमें डिफरेंट कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, जैसे कि मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। फिर हमारा मिलेगा डाइसैकेराइड, फिर मिलेगा हमारा ओलिगोसैकेराइड, और फिर मिलता है हमें पॉलीसेकेराइड। क्या मिलता है? पॉलीसेकेराइड। तो हमारे यहां चार तरह के कार्बोहाइड्रेट पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ, या किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने में कितने सिंपल शुगर लगे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। तो जो हमारा मोनोसेकेराइड होता है मेड अप ऑफ वन सिंपल शुगर, कितने सिंपल शुगर से बना होता है? मेड अप ऑफ वन सिंपल शुगर, वन सिंपल शुगर, एक सिंपल शुगर का हमारे यहां बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो ट्राइओस बोल दें, क्या बोल दें? ट्राइओस बोल दें, टेट्रोस बोल दें, पेंटोस बोल दें, हेक्सोज बोल दें, और हेप्टोज बोल दें। जैसे पेंटोज में आपने सुना होगा राइबोस शुगर, डी ऑक्सी राइबोस शुगर, टेट्रोज में सुना होगा एरिथ्रोस शुगर, हेप्टोज में सुना होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज के बारे में, और हेप्टोज में हम सीडो हेप्टोलोज का जिक्र करते हैं। तो जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट केवल एक सिंपल शुगर से बना हो तो हम उसे मोनोसैकेराइड के कैटेगरी में रखते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट दो सिंपल शुगर से बना हो, मेड अप ऑफ टू सिंपल शुगर यूनिट, तो हम उसे बोलते हैं क्या? डाइसैकेराइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। सुक्रोज को देखेंगे तो हम बोलते हैं क्या? सुक्रोज किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे बना हुआ है? तो दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज से। और लैक्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो इसमें दो सिंपल शुगर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दो सिंपल शुगर से जो बना होता है उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। वही ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो मेड अप ऑफ 3 to 9, मेड अप ऑफ 3 to 9 सिंपल शुगर्स, 3 to 9 सिंपल शुगर के बने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या? ओलिगोसैकेराइड। एग्जांपल के तौर पर रेफिनोज हमारे यहां क्या है? रेफिनोज। फिर वही बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड में मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हमारे यहां स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, इंसुलिन नहीं इनुलिन है, हेमीसेलुलोज हो गया, म्यूसिन हो गया, इतमाम एन स्टाइल ग्लूकोजामीन हो गया, ये तमाम हमारे यहां पॉलीसेकेराइड एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितने मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज करते हैं, मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में।
इसी सीरीज में जब एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम चलेंगे तो अभी कुछ सैकेराइड्स का जिक्र किया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे। फिर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस का भी जिक्र है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड विच इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और बेसिकली ये पार्ट होते हैं हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड। जब भी हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में तो हमारे यहाँ दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। जो प्यूरीन्स होती हैं हमारे यहाँ दो तरह की पाई जाती हैं, एडिनिन और गुआनिन, और जो पिरिमिडीन्स होती हैं हमारे यहाँ तीन तरह की पाई जाती हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरैसिल। याद होगा डीएनए के केस में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ जो पिरिमिडीन पाई जाती है वो पाई जाती है थायमिन, और आरएनए के केस में हम बोलते हैं कि जो पिरिमिडीन पाई जाती है वो पाई जाती है क्या, यूरैसिल। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के डायग्राम दिए हुए हैं। जैसा कि हम बात करें प्यूरीन का, तो हमने बोला कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उन नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो हमारा प्यूरीन होता है उसके पास दो साइकिल पाई जाती है, आप स्ट्रक्चरली देख सकते हैं, और जो हमारा पिरिमिडीन होता है उसमें सिंगल साइकिल पाई जाती है। कई बार आपसे यही सवाल पूछा गया है, और आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है बेसिकली प्यूरीन और पिरिमिडीन के नाम पे, वो बना हुआ है एडिनिन का और यूरैसिल का। तो इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला दे के आपसे पूछा जाए तो अगर नाइट्रोजन उसमें है तो आपको ध्यान रखना होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस आर द कंपाउंड विच इज साइक्लिक इन नेचर एंड कंटेन्स कार्बन। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। फिर अब हम नाइट्रोजनस बेसिस को थोड़ा और ध्यान से ध्यान दें तो न्यूक्लियोसाइडेजेस का जिक्र करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें कि न्यूक्लियोसाइड्स होते क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं हमारे यहाँ पेंटोस सुगर, अभी जिसका जिक्र किया हमने सुगर में, किससे बनते हैं भैया, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से। अब नाइट्रोजनस बेस हमारे यहाँ दो तरह का हमने पढ़ा, प्यूरीन या पिरिमिडीन। तो पेंटोस सुगर जब एसोसिएट होता है हमारे यहाँ नाइट्रोजनस बेस से तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद द सुगर्स, और सुगर में कौन सा सुगर, तो पेंटोस सुगर। तो अगर नाइट्रोजनस बेस और सुगर है तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं उसे। और जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास प्यूरीन और पिरिमिडीन के फॉर्म में है, तो अगर हमारे यहाँ एडिनिन है और वो सुगर से जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं एडिनोसिन। अगर हमारे यहाँ गुआनिन है और सुगर से जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं गुआनोसिन। अगर हमारे यहाँ साइटोसिन है और सुगर से जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं साइटिडीन। अगर हमारे यहाँ थायमिन है और सुगर से जुड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं थायमिडीन। अगर यूरैसिल बेस है और सुगर है तो हम बोलते हैं यूरिडीन। ऐसे न्यूक्लियोसाइड्स के नेम भी आपसे पूछे गए। फिर हम बात करें तो दीज आर द कंपाउंड यानी न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी पढ़ेंगे कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है वो बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। यानी इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दें, तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स विथ फॉस्फेट ग्रुप। जब न्यूक्लियोसाइड हमारा लिंक होता है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, तो हम उसी को नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि अगर एडिनिन है, सुगर है और फॉस्फेट है तो हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। अगर गुआनिन है, सुगर है और फॉस्फेट है तो गुआनिलिक एसिड बोलते हैं। अगर साइटोसिन है, सुगर है, फॉस्फेट है तो हम साइटिडिलिक एसिड बोलते हैं। थायमिन है, सुगर है, फॉस्फेट है तो हम थायमिडिलिक एसिड बोलते हैं। यूरैसिल है, सुगर है, फॉस्फेट है तो हम यूरिडिलिक एसिड बोलते हैं। जनरली हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स तो जान रहे होते हैं, लेकिन कब कौन सा नाम बोलना है हमें, इसकी हमें पहचान नहीं होती है। आपके यहाँ नीट एग्जामिनेशन में कई बार तो इसी से सवाल पूछे गए। इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, इन नोट्स को जरूर देख लीजिएगा कि न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होते हैं, या नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के पाए जाते हैं, या ये जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने की क्वालिटी क्या होती है, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में इनका रोल प्ले होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम न्यूक्लियोटाइड्स को हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के जो है प्यूरीन या पिरिमिडीन नहीं होते उसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे थोड़ा जनरली जानने का प्रयास करें,
अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लें तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेंटोज सुगर बनाएंगे, यानी 5 कार्बन का एक सुगर बनाएंगे, एंड दैट इज पेंटोज सुगर। यहाँ पे जो कार्बन होता है, इस कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो हम पी से दिखा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि फॉस्फेट ग्रुप है, और फिर हमारा नाइट्रोजनस बेस हमारा यहाँ यहाँ पे अटैच होता है। अब नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, तो हम जहाँ पे भी जब नॉमिनेचर करते हैं किसी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम देखते हैं जहाँ पोटेंट फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसी को कार्बन नंबर 1 देते हैं। तो हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन होता है। याद रहे जो हमारा पेंटोज शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कई बार आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा गया है। और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ा होता है किससे, एस्टर बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से। फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा होता है, एस्टर बॉन्ड से, और पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फिर अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास क्या है, हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दे आर द कंपाउंड्स विच हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 आर 1000 डाल्टन यूनिट। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में शुरुआत करेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, नॉट माइक्रो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की बात कर लें, यानी माइक्रो की बात कर लें। तो आपने बोला था ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लगभग 10,000 डाल्टन यूनिट होता है, या हम बोलें कि 1000 डाल्टन यूनिट से ज्यादा होता है। इस कैटेगरी में हमारे आते हैं प्रोटीन्स आती हैं, पॉलीसेकेराइड्स आती हैं, और न्यूक्लिक एसिड आता है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन यूनिट एसिड, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। जैसा कि हमने देखा था जब हमने एसिड का इस्तेमाल किया था। अब अगर एवरेज कंपोजिशन यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का जिक्र करें कि कौन सा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कितना कंपोजिशन होता है एक्सेल के अंदर, तो आपके एनसीईआरटी में बना होगा, या माइक्रो मॉलिक्यूल को देखें तो कौन सा कितना पाया जाता है, यानी बायो मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें, हमने पिछले चार्ट में क्या पढ़ा था, कितने एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, या हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल सेल को देखें तो सेल के अंदर 70-80% क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटीन की बात करें तो सेल के अंदर 10-15% प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3% कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो 5-7% हमारे न्यूक्लिक एसिड। एंड आयरन की बात करें, आयंस की बात करें तो 1% आयंस पाए जाते हैं। यानी हमारे सेल के कंपोजिशन को देखें तो सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, सेकेंड पोजीशन पे हमारे यहाँ प्रोटीन्स हैं, और थर्ड पोजीशन पे हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड है। कभी कभी इनका परसेंटेज कंपोजिशन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि अगर एक एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखना चालू करें, जैसा कि हमें पता है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, तो हमने जो पहला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल चूज किया वो है प्रोटीन्स, वो है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली दे आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर होते हैं किसके, एमिनो एसिड के। और बेसिकली अगर हम देखें तो पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक होमोपॉलीमर और एक हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक ही चीज़ का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो, यानी एक ही टाइप की चीज़ किसी चीज़ को बार बार मिलकर बना रही हो। जैसे हम पढ़ेंगे स्टार्च पढ़ेंगे या सेलुलोज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ग्लूकोज ही बार बार जुड़ के स्टार्च या सेलुलोज बनाता है, ठीक है। तो हम उसे ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। लेकिन जो बनने वाला जो पॉलीमर यूनिट, जो पॉलीमर बना है, अगर उसमें मोनोमर जो यूनिट है वो अलग अलग हैं तो हम उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 20 अमीनो एसिड मिलकर बना देते हैं। तो 20 अमीनो एसिड का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड मिला के प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सपोज करिए कोई प्रोटीन बना, उसमें 2-3 या 5-7 या 10-12 टाइप के अमीनो एसिड इस्तेमाल हुए, इसलिए हम उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोपॉलीमर। तो हम प्रोटीन के बारे में बोलते हैं कि प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर द पॉलीपेप्टाइड। हम पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाते समय अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं
तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है, एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसीलिए हम इन्हें पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद द अमोनिया ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से हमारे यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे यहाँ अमीनो एसिड का है वो नाइट्रोजनस यानी अमोनिया ग्रुप से क्या करे, रिएक्ट करे। तो ऐसे हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी हमें, जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से हेल्ड होंगे बाय द पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा होगा। फिर हम बात करें कि फंक्शन क्या है हमारे यहाँ प्रोटीन का। तो हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन का अगर बेसिक फंक्शन हम देखें तो हम तो यही बोलते हैं बचपन से कि प्रोटीन हमारे यहाँ क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोटीन्स होती है। हम बोलते हैं कि इनके क्या होता है, वियर एंड टियर या रिपेयर रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन अदर फंक्शंस अगर हम देखें तो हम बोल रहे हैं क्या, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। दे आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूट4, ग्लूट4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू द सेल। ठीक है, ग्लूट4 जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है किसके, ग्लूकोज को इनसाइड द सेल। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती हैं, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन जो हमारे यहाँ, तो इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में इस्तेमाल होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि और कौन सा रोल है इनका। तो प्रोटीन्स हमारे यहाँ एंटीबॉडीज जो होती हैं, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। और एंटीबॉडीज हमारे यहाँ करती क्या हैं, तो एंटीबॉडी जैसे कि हमने ब्लड ही पढ़ा था तो देखा था हमारे यहाँ ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है एंड जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो क्या बनाता है, हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो किसी भी इन्फेक्शियस स्टेट से ऑर्गेनिज्म को बचाती हैं, फाइट करती हैं इन्फेक्शियस स्टेट से। फिर हमारे यहाँ प्रोटीन्स जो होती हैं वो रिसेप्टर की तरीके से भी काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भी रिसेप्टर्स हैं जिनके वजह से हम अपने सेंस ऑर्गन से अपने CNS को कनेक्ट कर पाए हैं, वो सारे रिसेप्टर जो होते हैं प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। फिर हम बात करें तो हमारे यहाँ कुछ जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हमारे यहाँ जो एंजाइम्स हैं वो स्पेशल क्लास की प्रोटीन हैं वो, लेकिन हम बोलते हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन हमारे यहाँ होती हैं। कुछ एंजाइम जो है उसका क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे दिया होगा पढ़ेंगे उसको आगे। ठीक है, राइबोजाइम जिसे मिलते हैं। सम एक्ट्स एज हार्मोन लाइक अगर हम बात करें तो इंसुलिन, सम एक्ट्स एज एंजाइम जैसे बात करें तो ट्रिप्सिन, सम एक्ट्स एज पिगमेंट लाइक जैसे कि हीमोग्लोबिन। तो प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस हैं। अब हम स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रोटीन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम प्रोटीन को 4 हिस्सों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला हमारे पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बड़ा जनरली समझ सकते हैं। इसमें जो हमारे एमिनो एसिड, जब भी हम प्रोटीन बोलेंगे तो दे आर डेफिनेटली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि हमारा प्रोटीन किससे बना होता है, तो हमारा प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। तो मान लीजिए हमने बोला एक एमिनो एसिड है, फिर बोला दूसरा एमिनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड क्या करते होंगे, पॉलीमराइज होते होंगे, एक दूसरे से जुड़ते होंगे किसके मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से। किससे जुड़ते होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से जुड़ते होंगे। तो हमने बोला कि बहुत सारे एमिनो एसिड हैं जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जिसमें एमिनो एसिड सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को या ऐसे प्रोटीन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। तो हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर इनके पास है। यही बात यहाँ लिखी होगी, इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड लाइक पोजिशन इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। लेफ्ट एंड फर्स्ट एमिनो एसिड हैव एन टर्मिनल एंड राइट एंड लास्ट एमिनो एसिड हैव सी टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड। हियर वी कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से, लेकिन एक एमिनो एसिड जो देखेंगे पहला एमिनो एसिड है उसका जो टर्मिनल है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी अमीनो ग्रुप है, और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इस टर्मिनल को हम एन टर्मिनल बोलते हैं और उस टर्मिनल को हम सी टर्मिनल बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं
वो जुड़ी हुई है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से। फिर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जरा इसे समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहां जो बनाया वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहां पे केवल क्या मौजूद होता है, यहां पे अमीनो एसिड के बीच में केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। जब हम बात करेंगे वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम तब बोल रहे होते हैं जब प्रोटीन यानी अमीनो एसिड की बात करें, तो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से तो जुड़े ही जुड़े होंगे, लेकिन एक और बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। जैसे हमने अमीनो एसिड चेन बना ली, हम बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, लेकिन होता क्या है कि अलॉन्ग विद द पेप्टाइड बॉन्ड कुछ अमीनो एसिड के बीच में इसी प्रोटीन चेन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से बिटवीन द अमीनो एसिड्स हेलिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हेलिकल स्ट्रक्चर बनने लगता है और ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अच्छा, अल्फा हेलिक्स तभी बनेगा जब किसी एक पेप्टाइड चेन के बीच के अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन किसी स्पेशल अमीनो एसिड की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में एग्जिस्ट करे। जैसे मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऐसे हम दो पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा लें, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हम बोल रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है इनके बीच जो अमीनो एसिड्स होंगे उसमें पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, लेकिन अगर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए किन्हीं दो अमीनो एसिड के बीच में, यानी कुछ ऐसा हो जाए यहाँ सेम अमीनो एसिड के चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, यहाँ डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर जब हमें मिलता है तो हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जैसे सिल्क फाइबर हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जिक्र सुनेंगे कि वहां बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसका? बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी कर लिया हमने, हेयर वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ईदर बिटवीन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन और बिटवीन द टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इट हैज ओनली वन राइट हैंडेड हेलिक्स लाइक केराटिन एंड फाइब्रोन। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हेयर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेबल लाइक हॉलो वुलन बॉल, इट गिव्स 3D व्यू। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन लाइक मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो यहाँ तीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं आपस में हेल्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये 3D व्यू मिलता है, लेकिन इनके बीच में बॉन्डिंग भी बदल जाती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया है आपसे कई बार कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा अमीनो एसिड के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड यहाँ पाई जाती हैं, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड होने की वजह से स्पेसिफिक हो जाती हैं अपने फंक्शन में। ये जो टर्शियरी प्रोटीन होती हैं वो एक्ट करती हैं एज एंजाइम ड्यू टू देयर स्पेसिफिक नेचर, ठीक है, तो इसीलिए स्पेशलाइज होती हैं और इसीलिए हम कहीं बोलते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ठीक है, तो यहाँ ये पाया जाता है। वहीं अगर हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, तो यहाँ चार पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ऐसे भिड़े होंगे, जैसे कि हम हीमोग्लोबिन के केस में बोलते हैं कि दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं, हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, लेकिन इनके बीच में आपसे कई बार बॉन्ड पूछा गया है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी और क्वार्टरनरी में सेम काइंड के बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया ही जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। हेयर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ईच चेन फंक्शंस एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन इट हैज फोर सब यूनिट्स लाइक टू अल्फा सब यूनिट एंड टू बीटा सब यूनिट। फिर हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। हमने बताया कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने पॉलीसेकेराइड जब बताया था तो हमने बताया था कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड के बने होते हैं। देयर आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर लाइक मोनोसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द स्टार्च, स्टार्च इज द होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टार्च की अगर हम थोड़ा और बात कर लें तो हम बोल रहे हैं कि स्टार्च बना होता है कैसे, स्टार्च कैसे बना होता है। तो हमने बोला कि स्टार्च बना होता है ग्लूकोज से। लेकिन ग्लूकोज का अरेंजमेंट जो होता है स्टार्च में अगर हम देखेंगे तो दो तरह से होता है ग्लूकोज में। एक तो होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का जिसमें एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। वही हम एमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड चेन होता है किसका, ग्लूकोज का, ब्रांच चेन होता है ग्लूकोज का जिसमें ग्लूकोज एक दूसरे से 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल देखें तो लगभग हम जब बनाते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ग्लूकोज का तो हम कुछ ऐसा दिखा रहे होते हैं। ये पहला कार्बन होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। फिर ये पहला कार्बन है तो चौथे कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ छठा कार्बन पाया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे जो लिंकेज बनती है, जो बॉन्डिंग बनती है, अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर चेन स्ट्रक्चर बनने लगा तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होने लगता है। जो स्टार्च हमारा आयोडीन टेस्ट देता है, आयोडीन टेस्ट जो स्टार्च देता है वो बस एमाइलोपेक्टिन की वजह से देखा देता है, क्योंकि आयोडीन जो है ब्रांचेज में जाके अटैच हो जाती है। आयोडीन टेस्ट याद रहे कि जब हम पॉलीसेकेराइड को डिवाइड करते हैं तो हम उनके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो हमारे यहाँ जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर पजेस करते हैं। जैसे हम सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज हमारे यहाँ क्या है, होमो पॉलीमर है ग्लूकोज का, जो एक्ट करता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और इसीलिए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होने की वजह भी ये है कि वहाँ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ एक दूसरे से लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टार्च की तो हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के कैटेगरी में रखते हैं। हम बात करें ग्लाइकोजन की तो हम ग्लूकोज का ही होमो पॉलीमर होता है और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जो होते हैं 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो डिपेंड करता है कि ब्रांच स्ट्रक्चर कब बनाना है और लीनियर स्ट्रक्चर कब बनाना है। अगर कोई भी पॉलीसेकेराइड केवल स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है तो लीनियर स्ट्रक्चर पजेस करेगा, अगर स्टोरेज की तरह काम करने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर कर सके, इसलिए ब्रांचिंग बनाने का प्रयास किया जाता है। दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। जब हम बात कर ही रहे थे तो हम स्टार्च को देखे थे कि होमो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, वैसे ही सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज आल्सो होमो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन की बात करें तो होमो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, वैसे ही बात करें इनुलिन की तो इनुलिन होमो पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। फिर हमारे यहाँ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन भी होता है, जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जो होता है वो क्या होता है, वो काइटिन बनाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जो स्टार्च है देखिए वहाँ ब्रांचिंग दिख रही है, जो सेलुलोज होगा वहाँ लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग दिख रही होगी, इनुलिन में भी ब्रांचिंग दिख रही होगी। फिर हम बात करें अगर आगे इसके तो पॉलीसेकेराइड के बारे में ही जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो देयर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्मड ऑफ एमिनो एसिड लाइक ग्लूकोजामीन, एनस्टाइल ग्लूकोजामीन। काइटिन इज द होमो पॉलीमर ऑफ एनस्टाइल ग्लूकोजामीन, इट इज सीन इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एंड फंगल सेल वॉल।
काइटिन के बारे में बहुत बार आपसे पूछा गया है। काइटिन स्ट्रक्चरली ऐसे बना होता है और बेसिकली फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। फिर बात करेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन दिया हुआ है। यहाँ पे ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लूकोज एक दूसरे से ब्रांच स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, होमो पॉलीसेक्राइड होता है। यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से हेल्ड होते हैं बाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर हम बात करेंगे स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन गिविंग ब्लू कलर। हमने बताया कि स्टार्च जो हमारा होता है वो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर में जो आयोडीन है ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन टेस्ट देता है। सेलुलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड देयरफॉर कैन नॉट होल्ड, जो सेलुलोज होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता, इसलिए सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट नहीं देता। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड हमारे यहाँ बोलते हैं कि दे आर द हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमने न्यूक्लियोटाइड्स को देखा था, न्यूक्लियोटाइड हम जब का है तब कह रहे थे जब हमारे यहाँ पेंटोज शुगर एसोसिएटेड था नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से, तब हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे थे। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट लगता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का होता है। और न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ बना होता है तीन चीज़ों से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजनस बेस से। पेंटोज शुगर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ दो तरह के पेंटोज शुगर पाए जाते हैं, राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस शुगर। वही हम बात करेंगे अपने यहाँ प्यूरिन यानी नाइट्रोजनस बेस की, तो दो तरह के होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। हमने प्यूरिन में पढ़ा था एडेनिन एंड गुआनिन और पिरिमिडिन में पढ़ा था साइटोसिन यूरैसिल एंड थायामिन के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम बात करें तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा न्यूक्लियोटाइड में अरेंजमेंट होता है, जैसा कि हमने बताया कि जो शुगर होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या बनाता है, हमारे यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, और जो हमारे यहाँ शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। किससे वो जुड़ा होता है, एस्टर बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड देखे तो डीएनए का जिक्र करते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं अगर हम, तो न्यूक्लिक एसिड बनता है हमारे यहाँ पॉलीमराइजेशन से। उसमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लीजिए हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाए, यहाँ नाइट्रोजनस बेस बनाया हमने, यहाँ हमने कार्बन दिखाया, यहाँ फॉस्फोरस दिखा लिया, फॉस्फेट दिखा लिया, ठीक है हम ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, एक न्यूक्लियोटाइड की फिर से चेन बनेगी, यहाँ कार्बन, यहाँ का फॉस्फोरस ग्रुप जो है यहाँ से क्या करता है, रिएक्ट करता है और यहाँ बॉन्ड बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है तो दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसलिए हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे अटैच हो गया, फिर तीसरा हमारे यहाँ कुछ ऐसे दिखाते हैं हम, और दिखाने के बाद हम कुछ स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा रहे होते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, फिर ऐसे ऐसे करके सो ऑन हम करते जाते हैं, ऐसे करके सो ऑन करते जाते हैं। हम बोल देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फिर नेक्स्ट होगा, अगर यहाँ प्यूरिन है तो सामने पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस होगा और कुछ अरेंजमेंट उसका ऐसा होगा, ये पहला कार्बन था, दूसरा, यहाँ तीसरा कार्बन फ्री होता है अटैचमेंट के लिए, चौथा और ये पांचवा। तो इस चेन में हम देखेंगे तो पांचवा कार्बन हमारा क्या है, फ्री है, दैट्स व्हाई इसे 5' एंड बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा कार्बन फ्री है अटैचमेंट के लिए, इसलिए इसे 3' एंड बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ नाइट्रोजनस बेस आपस में अरेंज होते हैं। ऐसे ऐसे करके इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट इनका होता है। इसलिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, एस्टर बॉन्ड था, दोनों को मिला के हम फॉस्फोडाइएस्टर बोलने लगे। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब हम बात करें तो जब भी हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो
तो हम डबल हेलिकल मॉडल पढ़ते हैं डीएनए का, जो प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, जो प्रपोज किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वैसे तो हम देखेंगे तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, तमाम तरह के डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन जो हम डीएनए पढ़ते हैं वो बी डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, जिसके मॉडल को प्रपोज किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, तो उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। अगर बोलते हैं कि हेलिक्स बना के रहता है, अगर खोल के देखें तो कुछ ऐसे हमारा डीएनए पाया जाता है, जिसके एक सेगमेंट में देखें तो एक तरफ 10 न्यूक्लियोटाइड और दूसरे तरफ 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक सीढ़ीनुमा पैटर्न बनता है। तो सवाल कई बार पूछा गया है कि द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, या द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ। जब भी बात करेगा बैकबोन की, बैकबोन की, तो बैकबोन जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो बना होता है किससे, पेंटोस सुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सीढ़ी लाइक पैटर्न, यानी लैडर लाइक पैटर्न जो होता है हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड का, वो किसके द्वारा होता है, तो नाइट्रोजनस बेसिस प्रोवाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाती हैं, यानी अगर प्यूरिन हमारा एडिनिन है तो सामने जो पिरिमिडीन होगा हमेशा वो थाइमिन होगा डीएनए के केस में, अगर यही आरएनए होता तो यूरेसिल होता, लेकिन एडिनिन हमारे थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़ा होता है। यही अगर साइटोसिन होता है प्यूरिन, तो यहाँ साइटोसिन इसका क्या होता, कॉम्प्लीमेंट्री पिरिमिडीन होता, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बने होते। यही बात हम कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। देयर आर मोर देन अ डोजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए सच एज ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए एंड जेड डीएनए एटसेट्रा। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अरेंज एंटी पैरेलली एज अ डबल हेलिक्स। एंटी पैरेलली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक में पांचवा कार्बन फ्री होगा, एक में तीसरा, तो 5-3 बोलते हैं और 5-3 बोलते हैं, तो ओरिएंटेशन के हिसाब से हम इन्हें एंटी पैरेलल बोल रहे हैं। वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसमें कुछ उनकी बातें थी जिसको समझते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में अगर हम दूरी देखें, विड्थ देखें डीएनए का, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। ठीक है, उन्होंने बताया था कि अगर एक हेलिक्स से एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप का डिस्टेंस लें तो होता है 34 एंगस्ट्रॉम आर 3.4 नैनोमीटर, और एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप्स के बीच में देखें तो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाई जाती हैं। इस तरह से हम एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां देख रहे होंगे एडिनिन है, तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, अगर गुआनिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जो एस्टर बॉन्ड से आपस में कौन जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं इधर। तो बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड OH ग्रुप ऑफ सुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ टर्म आता है मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म क्या होता है अगर हम बोलते हैं तो, हमारे शरीर में क्या होता है, मेटाबोलिज्म होता रहता है, हम जनरली बोलते हैं। तो मेटाबोलिज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ, जब भी हम बोलते हैं मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म के दो ही फॉर्म हैं, मेटाबॉलिज्म के दो ही फॉर्म हैं, या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा या एनाबॉलिज्म हो रहा होगा, या तो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, यही तो हो रहा होगा एनाबॉलिज्म। अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जब कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम मान लीजिए डाइजेशन कर रहे हैं या रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ये सारे हमारे यहाँ कैटाबोलिक प्रोसेस हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वही बात करें एनाबोलिज्म की, तो हम बोलते हैं कि सिंपलर कंपोनेंट से हम जब कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एमिनो एसिड से प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये क्या है, एक एनाबोलिक प्रोसेस है। क्या है भैया? एक एनाबोलिक प्रोसेस है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म के दौरान,
बहुत सारे, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, और उन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। देखिए यहां देखेंगे तो यहां हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। इट मे बी कैटाबॉलिज्म, इट मे बी एनाबॉलिज्म। जैसे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड टू फॉर्म अमीन, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एटसेट्रा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस हो रही हैं तो उसे हम मिला के बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। जो भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो रहा हो या एनाबॉलिज्म हो रहा हो, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एंड फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इन मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन, लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। देख रहे होंगे जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, साइकिल या ग्लाइकोलिसिस लिया, तो इनका क्या है? एक डेफिनेट वे है, सीक्वेंस ऑफ फ्लो है, पाथवे है इनका, डायरेक्शन इनका, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस करता है। द मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमारी बॉडी डायनेमिक स्टेट में रहती है, ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहाँ लिखा गया होगा, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं। पहले तो आपको समझना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। तो हम बता रहे हैं कि मेटाबोलाइट्स होते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान या जो भी लिविंग एक्टिविटीज हमारे अंदर हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब थोड़ा अपनी भाषा में समझ लीजिए। जब भी हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे मेटाबोलाइट्स, ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो जहां पे पाए जा रहे हैं उनका फंक्शन नोन है, तो हम बोलेंगे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम उसे कहते हैं कि जहां से भी हमने, जहां पे भी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू से ऑब्टेन किया है, वहां पे उसका फंक्शन अननोन है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा तो, लाइक दे हैव इन आइडेंटिफिएबल फंक्शन इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड नेसेसरी फॉर द लाइफ। लाइक एमिनो एसिड हो गया हमारे अंदर, शुगर हो गया, हम इजीली बता सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, फाउंड इन प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड, पिगमेंट्स, टारपिनोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लेसिथिन, ड्रग्स एटसेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जहां से हम ऑब्टेन करते हैं, हमें उनका फंक्शन वहीं पे नहीं पता चलता है कि वहां पे उनका क्या फंक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हम बार्क ऑफ सिंकोना से मलेरिया का ड्रग ऑब्टेन करते हैं, क्विनोन ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उस मलेरिया ड्रग का या क्विनोन केमिकल का उस सिंकोना के पौधे में क्या काम था, ये डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे केमिकल्स को ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आपके यहाँ चार्ट दिए हुए हैं, लाइक पिगमेंट्स के नाम पे कैरेटिनाइड, एंथोसाइनिन दिया हुआ है, एल्कलाइड के नाम पे मॉर्फिन, जैसे कि हम बोलते हैं मॉर्फिन होता है, पेनकिलर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लांट में, पॉपी प्लांट में इसका क्या इस्तेमाल है नहीं पता, तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। या टारपिनोइड्स की बात करें तो मोनोटारपिन्स, डाइटारपिन्स, एसेंशियल ऑयल की बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन की बात करें तो आर्बिन हो गया, राइसिन हो गया, लेसिथिन की बात करें तो कॉन्कवेलिन ए हो गया, ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन, क्यूमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें तो जैसे रबर हो गया, गम्स हो गया, सेरिलोज हो गया, कि जहां पाए जाते हैं वहां पर इनका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे एनाबोलिक हो गया, कैटाबोलिक हो गया, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। एनाबोलिक हम तब कहेंगे जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, कैटाबोलिक तब कहेंगे जब कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। फिर हम बोलते हैं कि जो हमारा लिविंग स्टेट होता है एक डायनेमिक स्टेट होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता। इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबॉलिज्म आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल पर्सन इज इतना एंड कंसंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स इज इतना। तो अलग अलग मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन जो होता है अलग अलग होता है। फिर हम लिविंग स्टेट की बात करते हैं, द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है तो परफॉर्म नहीं करता है। As living organism work continuously, they cannot reach to the equilibrium. Equilibrium पे reach नहीं हो सकते। The living state is non-equilibrium state. ये बहुत important line है। कई बार assertion region के form में सवाल पूछा गया है। ठीक है?
लिविंग प्रोसेस इज अ कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू द इक्विलिब्रियम। लिविंग अगर हम हैं तो बस इस वजह से है कि हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगा रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन ना करें, ठीक है। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबोलिज्म, इसलिए मेटाबोलिज्म होता रहता है और मेटाबोलिज्म एक सिग्निफिकेंट फीचर है हमारे यहाँ लिविंग को डिफाइन करने का। फिर बात करेंगे, हमारे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंजाइम से जो सवाल पूछे गए हैं वो पेट हैं कि कहाँ से पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप एंजाइम पढ़े भी होंगे। जैसे एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है और बेसिकली क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है। एंजाइम रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो हम इस पार्ट में यही जानेंगे कि एंजाइम्स के काम करने का तरीका क्या होता है या वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वट एवर जो करता है। तो अगर हम बात करें तो द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, पहली बात तो हम जान रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऐसा नहीं है, एक एंजाइम है हमारे यहाँ जिसे हम बोलते हैं क्या, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो प्रोटीन नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है हमारे एंजाइम्स का। लेकिन बाकी एंजाइम्स देखेंगे तो प्रोटीनिशियस इन नेचर होती हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, हमने बताया था कि एंजाइम स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है इसकी वजह से। राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड आरएनए दैट बिहेव्स लाइक द एंजाइम। एंजाइम्स फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D विथ सम सर्विसेस यानी पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। इनके पास जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है यही इनको स्पेशलाइज बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। फिर अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर हम किसी भी केमिकल को देखेंगे तो दो तरह का चेंज जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे कभी, द फर्स्ट वन इज केमिकल चेंज और द सेकेंड वन जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है। अगर हम बोलते थे कि कहीं फिजिकल चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या होता था, अ चेंज इन शेप आर स्टेट ऑफ मैटर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। यानी कोई भी चेंज हो रहा है किसी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जगह नहीं मतलब लिक्विड सॉलिड गैस, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही तो हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आइस का मेल्ट होके वाटर बनना, या वाटर को कंडेंस होके आइस बनना, या वाटर का वेपर बनना, ये सब क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे जहाँ बॉन्ड बनेंगे भी और बॉन्ड ब्रेक भी होंगे। बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो BaOH twice reacts with H2SO4 to gives BaSO4 and 2H2O. यहाँ बॉन्ड बने भी और बॉन्ड ब्रेक भी हुए। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या है तो जैसे मान लीजिए कि हीट एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, एक हीट एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे हम रिएक्शन जैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पे किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें सिस्टम में एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जहाँ पे सिस्टम में रिएक्शन के पश्चात एनर्जी निकलता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम देखेंगे तो एंजाइम हम बोलते हैं कि ये अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो रेट मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन दिया हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज टेम्परेचर। जनरली रेट डबल्स आर डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 10% बढ़ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे एक फोल्ड बढ़ जाएगा, यानी एक गुना बढ़ जाएगा, डबल यानी दो गुना बढ़ जाएगा। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें तो 10 गुना कम हो जाएगा। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का आपके यहाँ जिक्र किया हो गया होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जिक्र किया गया होगा तो कुछ ऐसा रिएक्शन लिखा होगा आपके यहाँ कि CO2 है H2O से रिएक्ट करता है, जब एंजाइम नहीं है तब बनता है कितना, 200 मॉलिक्यूल बनता है पर मिनट पर आवर। इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन एन आवर, एक घंटे में। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 600,000 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके यहाँ, कितने H2CO3 के, इन अ सेकेंड।
एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को किस तेजी से एंजाइम्स बढ़ाते हैं, यानी प्रोडक्ट हम कितना जल्दी ऑब्टेन कर लेते होंगे। फिर बात करें कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैटालिटिक साइकिल की बात करें तो एंजाइम एक्ट्स विद सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम की एक्टिविटी को बताने के लिए, एंजाइम के कैसे काम करता है, कैसे सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी गई थी किसके द्वारा, फिशर के द्वारा। ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाती है और प्रोडक्ट बना देती है। मींस एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करती है रिएक्शन में, एक सर्टेन टाइम के लिए एंजाइम रिएक्शन में हिस्सेदारी लेती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। दिस इंड्यूस सम चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज हाईली बाउंड विद एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द एक्टिव साइट ब्रेक्स केमिकल बाउंड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद द अदर सबस्ट्रेट। ए लॉक एंड की हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया था, इसमें सबस्ट्रेट को ऐसे दिखाया गया, एंजाइम को ऐसे दिखाया गया, एंजाइम को दिखाया गया इसके पास एक्टिव साइट दिखाया गया, सबस्ट्रेट दिखाया गया, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम आइसोलेट हो जाता है। ए लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा बताया गया था फिशर के। फिर हुआ कि जब एंजाइम अपनी एक्टिविटी या एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है तो क्या तरीका है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है, तो हमने देखा कि एंजाइम लोअर डाउन कर देती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एडिशनल एनर्जी चाहिए वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और उसी एडिशनल एनर्जी को क्या करता है जो एंजाइम होता है वो कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, दो रिएक्शन दो सबस्ट्रेट दिए हुए हैं, एक का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके प्रेजेंट में, एंजाइम के एब्सेंस में, और दूसरे का प्रेजेंट में। तो जब एंजाइम एब्सेंट है तब हमें इतना एनर्जी देना पड़ रहा है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी दैट मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट रिएक्शन। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। लेकिन जब दूसरे स्टेट में हम कह रहे हैं कि जब एंजाइम प्रेजेंट है, तो इसी एंजाइम ने क्या किया, ये यहां तक रिएक्शन शुरुआत हो गई इसी एनर्जी लेवल पे, यानी इसने क्या किया, इतना एनर्जी लेवल यानी इतना पहले ही एंजाइम रिएक्शन की शुरुआत कर देता है। तो इसके काम करने का तरीका एंजाइम के यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। सवाल आएगा जहन में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हम बात करेंगे इफ द प्रोडक्ट इज एट पी एट लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर हम एनर्जी लेवल बना रहे हैं और सबस्ट्रेट से नीचे प्रोडक्ट का एनर्जी है तो हम बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ऊपर है सबस्ट्रेट की एनर्जी से तो हम बोलते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एज द रिजल्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। और इस वजह से क्या करती हैं एंजाइम्स, क्या करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करती हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स हैं हमारे पास टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ये फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का जिक्र करते हैं हम तीन पॉइंट से, एक तो मिनिमम, दूसरा ऑप्टिमम, और तीसरा जो होता है क्या होता है मैक्सिमम। अगर हम टेम्परेचर, अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हम बोलते हैं हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 25 to 40 degrees centigrade इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम, यानी 25 इज द मिनिमम रेंज। यानी अगर हम मिनिमम से कम यानी 25 से कम रखेंगे टेम्परेचर, 25 से अगर कम रखेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, एंजाइम्स जो होंगी वो इनएक्टिव होंगी, एंजाइम्स इनएक्टिव रहेंगी, इनएक्टिव रहेंगी, याद रहे 25, अगर 25 से नीचे है तब मैक्सिमम रेंज क्या है 40, अगर 40 से ऊपर करते हैं तो एंजाइम जो होगी वो डीनेचर्ड हो जाएगी, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगी, प्रोटीन की तो बनी है,
तो इनके बीच के पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो एंजाइम के काम करने का जो ऑप्टिमल रेंज है दैट इज इन बिटवीन द 25 to 40 degrees centigrade, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसी के बीच में बढ़ती होगी घटती होगी। तो यहां देखिए टेम्परेचर जब कुछ बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन 40 जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करने के बाद टेम्परेचर यानी वर्किंग जो है एंजाइम्स की वो कम होती चली जा रही है। तो शुरुआत में तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी, लेकिन बाद में क्या होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिनेचुरेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाएगा यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी। पीएच की बात करें तो एवरी एंजाइम हैविंग देयर स्पेसिफिक पीएच, जैसे हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में जो भी एंजाइम्स हैं 1.2 से लेकर 2 पीएच तक काम करती हैं। वही गैस्ट्रिक जूस में भी हमारा गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज इनएक्टिव स्टेट में ही रह जाता है क्योंकि वो पीएच उनका सपोर्टिव नहीं होता है। तो हर एंजाइम का अपना एक अपना वर्किंग पीएच होता है और उसी पीएच पे वो काम करती है, बिलो दिस पीएच भी काम नहीं करेगी एंड आफ्टर दैट पीएच भी वर्क नहीं करेगा। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कहीं सिस्टम में 100 एंजाइम है और 50 सबस्ट्रेट है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट 50 बनेगा। और यहाँ लिमिटिंग फैक्टर की तरह कौन काम करेगा, सबस्ट्रेट, कौन काम करेगा सबस्ट्रेट। हमने बोला कि किसी सिस्टम में 100 एंजाइम है और 100 प्रोडक्ट 100 सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा भैया, 100 बनेगा। हमने यही बोला कि किसी सिस्टम में 100 एंजाइम है और 200 सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 100 बनेगा। क्यों भैया, क्योंकि एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है। तो हर कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर, यानी हम देखिए शुरू से लेके लास्ट तक जब बढ़ा रहे हैं कि इनिशियली जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही बात यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर हम इनिशियली हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो गुड होगा, अच्छा होगा, लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइट्स जब सारे होल्ड हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम कितना भी बढ़ाते रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। क्लियर है। अब चौथा आता है प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर। इनिबिटर क्या होते हैं, इनिबिटर मतलब होता है रोकना, इनिबिट मतलब क्या होता है रोकना, इनिबिट मतलब क्या होता है रोकना होता है। जैसे टेम्परेचर की बात कर ली हमने, पीएच की बात कर ली, किसकी बात कर ली, यहां टेम्परेचर पीएच की बात कर ली, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर ली। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन राइजेज एट फर्स्ट एंड रीचेज एट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दैट इज नोन एज वी मैक्स। दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय द फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस। तो जैसा कि यहां दिया हुआ है इस वी मैक्स हाफ, यानी इसे द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वी अचीव द हाफ ऑफ वी मैक्स एंड दैट इज नोन एज केएम वैल्यू, दैट इज नोन एज केएम वैल्यू। एंड हायर द केएम वैल्यू, लोअर द केएम वैल्यू, लोअर द केएम, हायर द एफिनिटी टुवर्ड सबस्ट्रेट, हायर द एफिनिटी टुवर्ड सबस्ट्रेट। यही कहानी है, क्योंकि इससे बेस्ट हमारा इनिबिशन वाला प्रोग्राम आता है। द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल इनिबिटर सेट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड दैट इज कॉल्ड इनिबिशन। द इनिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। It competes the active site or it competes the substrate for the binding site. Compete कैसे करेगा? हमने बताया था एक बेहतर inhibitor वही होगा जिसकी KM value क्या होगी? कम होगी। क्योंकि lower the KM value, higher the affinity towards the enzyme. As the result, the substrate cannot bind and the enzyme action declines. इसी के basis पे हमारे यहाँ जो drugs बनती है, जो दवाई बनती है, जो sulfur drug बनती हैं, इन्हीं action पे काम करती हैं। हमारे यहाँ दो तरह का inhibition होता है, non-competitive and competitive. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो सबस्ट्रेट होता है, जो गिवन सबस्ट्रेट हो और रिजेंबल इनिबिटर जो होता है सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता है, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म से काम करता है। और जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है वहाँ एंजाइम जो सबस्ट्रेट है और जो इनिबिटर है दोनों स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं, तो जो इनिबिटर होता है वो बाइंड कर जाता है हमारे सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड होना चाहिए वहाँ।
तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब बात करेंगे हम किसका, बात करेंगे हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। हमारे यहाँ एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइंड्स ऑफ रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड दैट इज क्लास 1 एंजाइम, इसे क्लास 1 एंजाइम कहते हैं, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेजेज, ये 6 क्लासेस हैं हमारे एंजाइम्स की। उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता होगा, कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। ट्रांसफरेजेज क्या करता होगा, कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर एंड पेप्टाइड्स। अगर हम बात करेंगे लाइजेज की, तो ये कैटलाइज करता है रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। आइसोमरेजेज की बात करेंगे तो कैटलाइज करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेजेज की बात करेंगे तो कैटलाइज करता है लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स टुगेदर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड जब रिप्लिकेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ एंजाइम्स के तरीके आते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के एंजाइम, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम पाए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम की, कॉन्जुगेटेड तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जब बोलेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। हमारा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। तो हमारा जो प्रोटीन है, हमारे एंजाइम का जो प्रोटीन है, अगर अटैच है नॉन प्रोटीन पार्ट से, नॉन प्रोटीन पार्ट से, तो ऐसे एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन पार्ट इकलौता है, अकेले है, तो इनएक्टिव है। क्या है भैया, इनएक्टिव है। क्या है भैया, इनएक्टिव है। और इसे हम नाम दे रहे हैं उस समय जब इनएक्टिव है, तो बोल रहे हैं क्या, एपो एंजाइम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, एपो एंजाइम। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब इस इनएक्टिव प्रोटीन से हमारा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, तब इसे बनाता है क्या, एक्टिव बनाता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो रहा है, ध्यान समझिएगा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हुआ है, इसे हम नाम देने लगते हैं क्या, कोफैक्टर। क्या बोलने लगते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर। यानी जब ये एपो एंजाइम इस कोफैक्टर के साथ जुड़ जाता है तो एक्टिव हो जाता है। क्या होता है भैया, जो अभी तक इनएक्टिव था वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इसी को हम नाम देने लगते हैं क्या, बोलते हैं होलो एंजाइम। इसको चार्ट में ही समझ लीजिए, क्या देने लगते हैं नाम, होलो एंजाइम नाम देने लगते हैं। क्या दे दिया नाम, होलो एंजाइम बोल दिया। होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम है, जो बना है इनएक्टिव एपो एंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से। एक बात तो पता है कि जो हमारा एपो एंजाइम है प्रोटीनिशियस इन नेचर है, और नॉन जो प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीन है। तो देखते हैं उसका केमिकल नेचर क्या होगा। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर की बात करें, ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, तो बेसिकली केमिकल में या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। तो इट मे बी ऑर्गेनिक, इट मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक, यही तो होगा। अगर हमारा कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक है, तो डेफिनेट सी बात है, समझिएगा, उसको हम उस समय नाम देते हैं क्या, एक्टिवेटर। क्या देते हैं भैया, एक्टिवेटर बोलते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, क्या बोलते हैं भैया, एक्टिवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। जब हमारा कोफैक्टर वाला पार्ट इनऑर्गेनिक है तो एक्टिवेटर, और जब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है भैया, तो दो बातें, अगर हम आइसोलेट कर पाएंगे, इफ गेट आइसोलेटेड, अगर हम इसे अलग कर पाए, इफ गेट आइसोलेटेड, अगर हम इसे अलग कर पा रहे हैं एंजाइम से, तो हम बोलेंगे क्या, इसे को एंजाइम। क्या बोलेंगे भैया, को एंजाइम। क्या बोलेंगे भैया, को एंजाइम। अगर हम काबिल नहीं है कि इफ नॉट आइसोलेटेड, अगर हम इसे अलग करने के काबिल नहीं है एंजाइम से, तो हम इसे नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है कि एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होते हैं, एक्टिवेटर क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं और को एंजाइम्स किसे कहते हैं।
इस बात को बहुत जनरल तरीके से और बहुत छोटे में हमने समझाया है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एपोएंजाइम कोफैक्टर मिलके होलोएंजाइम बनाते हैं, जो एक्टिव स्टेट होता है, यहाँ लिखा होगा इनएक्टिव है, कोफैक्टर मिलके एक्टिव होलोएंजाइम बनाया। व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम इट कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, कोफैक्टर को हटा देंगे तो जो एपोएंजाइम फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया, कोफैक्टर अगर हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक है तो हम एक्टिवेटर बोलते हैं, कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक है तो दो बातें, अगर उसे आइसोलेट कर सकते हैं तो हम कोएंजाइम बोलेंगे, नहीं कर पाएंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप इसको थॉरली रिवाइज करेंगे, इंजॉय से पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।